झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम के सुदूर एवं घोर नक्सल प्रभावित गुदरी प्रखंड मुख्यालय में जिला पुलिस व सीआरपीएफ के द्वारा बुधवार को सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला के पुलिस कप्तान अजय लिंडा, सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद जेराई, सहायक पुलिस अधीक्षक सह चक्रधरपुर एसडीपीओ नाथू सिंह मीणा और अन्य पुलिस व सीआरपीएफ के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर पुलिस द्वारा क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं के बीच चादर का वितरण किया गया। क्षेत्र के युवाओं के बीच फुटबॉल एवं अन्य खेल सामग्री का भी वितरण किया गया। बच्चों के बीच चप्पल का वितरण किया गया। एसपी ने मौके पर क्षेत्र के ग्रामीणों को डायन, बिसाही, अंधविश्वास और नशा पान से दूर रहने का भी अपील की। क्षेत्र के ग्रामीणों को बीमार पड़ने पर ओंझा गुनी और झाड़ फूंक से बचते हुए जल्द अस्पताल जाकर इलाज कराने का भी सलाह दिया। एसपी ने ग्रामीणों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करने की अपील की। मौके पर गुदड़ी के बीओ सुनील वर्मा ने प्रखंड कार्यालय की ओर से जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मौके पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारी, प्रखंड व अंचल कर्मी आदि लोग मौजूद रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि नारायण शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।